नमस्कार। आज की शुरुआत में फिर एक शेर से करता हूँ। यूनान मिस्र रोमा मिट गए जहां से। यूनान यानी कि ग्रीस, मिस्र मीन्स इजिप्ट, रोमा मीन्स रोम। यूनान मिस्र रोमा मिट गए जहां से, लेकिन मिटा नहीं नामो निशा हमारा। आखिर कुछ तो बात है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी। सदियों से रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। बात सही है, पुरानी संस्कृतियां या तो खत्म हो गई या उनका वो महत्व नहीं रहा, लेकिन हमारी हिंदुस्तान की, भारत की, इंडिया की संस्कृति आज भी अपने उफान पे है। और कुछ तो बात है कि वो हमारी हस्ती मिटती नहीं, सदियों से रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। तो वो कुछ बात क्या है? वो कुछ बात है हमारी संस्कृति, हमारा धर्म, हमारी सभ्यता, हमारे रीति रिवाज, हमारे तीज त्योहार, हमारे ऋषि मुनियों की तपस्या, उनका ज्ञान, बच्चों के प्रति हमारा प्रेम, बड़ों के प्रति आदर, धर्म पे हमारा विश्वास और हमारा सामाजिक ताना बाना। खैर, लंबी बात है, इस पे बहुत लंबे एपिसोड बन सकते हैं और बनेंगे। फिलहाल मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में, भारत में, हर जगह हर थोड़े किलोमीटर के बाद आपको कोई ना कोई प्राचीन चीज मिल जाएगी, कोई खुदाई मिल जाएगी, कोई पुरानी कलाकृतियां मिल जाएंगी, कोई पुराने रीति रिवाज मिल जाएंगे। तो मैं बात करूंगा कांगड़ा के आर्ट की, जिसमें कांगड़ा पेंटिंग मेन है, जिसमें हमारे पुराने बहुत सारे स्कल्पचर्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, उनमें से काफ़ी चीज़ें यहाँ कांगड़ा म्यूजियम है। मेरे पीछे आप देखिए म्यूजियम ऑफ कांगड़ा आर्ट, वो है, हम वहाँ जा रहे हैं। आप देखिए और आप देखिए कि कितनी रिच हेरिटेज हमारे कांगड़ा की है, और कांगड़ा की है तो पूरे हिंदुस्तान की कितनी है। ये सब चीज़ों ने मिला के हमें एक महान देश बनाया है। तो आइए इस म्यूजियम को देखते हैं और आगे की बात करें। इससे पहले कि मैं कांगड़ा पेंटिंग पे आगे बात करूं, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि मेरे को इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली और नॉलेज कहाँ से मिली। हमारे यहाँ के डिप्टी कमिश्नर जी हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट के, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के, डॉक्टर निपुण जिंदल जी, बहुत गुणी व्यक्ति हैं हमारे। ही इज अ फर्स्ट मैन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, ही इज अ डिप्टी कमिश्नर और ही इज अ डॉक्टर ऑल्सो, ही इज अ ऑर्थोपेडिक डॉक्टर एंड ही इज अ ब्लॉगर, और उनके ब्लॉग बहुत अच्छे हैं, देखने वाले हैं। तो उन्होंने, उनके ब्लॉग्स में से मुझे बहुत नॉलेज मिली, मेरा रिसर्च बच गई और उनसे मेरी मुलाकात भी हुई थी। वेरी नॉलेजेबल पर्सन। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और चलिए आगे बढ़ते हैं। अब म्यूजियम में बहुत सारी चीज़ें हैं, वो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन शुरुआत करेंगे कांगड़ा पेंटिंग से, जो कि एक हमारी जान है कांगड़ा की। मैं इसकी थोड़ी आपको हिस्ट्री देता हूँ। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई, और औरंगजेब, जैसा कि हम जानते हैं कि हिंदुस्तान का बहुत बड़ा बादशाह था, बहुत ताकतवर बादशाह था। उसके जाने के बाद हमारा जो जोर है वो कम होता गया, लेकिन मोहम्मद शाह जो आया, मेरा ख्याल नेक्स्ट टू नेक्स्ट था, वो एक, वो जोर तो नहीं रख सका, लेकिन उसके टाइम पे कला बड़ी विकसित हुई। उसने कलाकारों को, संगीतकारों को, पेंटर्स को बड़ा प्रोत्साहन दिया और बड़ी कला की कला विकसित हुई। हालांकि वैसे हम कमजोर होते गए फाइनेंशियली, पॉलिटिकली, मिलिट्रियली, लेकिन कला बहुत विकसित होती गई। लेकिन कमजोर होने के साथ साथ पूरी दुनिया ने देखा कि भारत एक बड़ा अमीर देश है, औरंगजेब ने बड़ी दौलत इकट्ठी की हुई थी, तो बहुत लोगों ने यहाँ पे अटैक करना शुरू कर दिया और यहाँ की दौलत लूटने लगे। यहाँ तक कि पर्शिया में इतनी दौलत लूट ली गई कि पर्शिया के लोगों ने, जो वहाँ का राजा था, कि 4 साल तक वहां पे टैक्स हेवन बना दिया गया। हमारे पैसे से 4 साल वहां के लोगों से टैक्स नहीं लिया गया। तो चलो, लूटना तो एक बात है, लेकिन लोगों के साथ जुल्म हुए, मारे गए 25,000 लोग, मारे गए लोग, डरने लगे और वहां से भागने लगे, और बहुत सारे लोगों ने आके शरण ली। कुछ लोगों ने कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें गुलेर एक खास था, कांगड़ा तो खैर है ही डिस्ट्रिक्ट, लेकिन गुलेर एरिया, हरिपुर एरिया और कांगड़ा के संसार चंद कटोच जी राजा थे, उन्होंने शरण दी, और कुछ लोग जम्मू साइड चले गए। अब कांगड़ा पेंटिंग जो है उसमें
आपको मुगलों की झलक दिखेगी, लेकिन फिर लोगों ने उन्हें यहाँ पे अडेप्ट किया, हमारे यहाँ धौलाधार की पहाड़ियां दिखाई। चूंकि राधा कृष्ण जी का यहाँ पे बहुत इन्फ्लुएंस है तो राधा कृष्ण जी की पेंटिंग्स बनी। उसके अलावा जो हमारे भगवान हैं, हमारे मंदिर हैं, हमारी कलाएं हैं, हमारे फोक डांस हैं, सबका मिश्रण होके और बेसिक जो एक मुगलों का वो है वो भी रहा, हमारा यहाँ का, हमारी पहाड़ी नारियाँ, हमारे पहाड़ी गद्दी कौम, हमारे मंदिर, हमारे झरने, नदी, नाले, पहाड़ और राधा कृष्ण जी को सबको मिला के ये कांगड़ा पेंटिंग्स बनी। कांगड़ा पेंटिंग्स जो है ये ब्रह्मासा पेंटिंग्स के कॉन्सेप्ट पे हैं। मैं इसके ऊपर पूरा एक अलग एपिसोड बनाऊंगा, इसलिए मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ कि एक तो इसमें नेचुरल कलर्स यूज होते हैं, जो ब्रश बनता है वो जो अपने क्या कहते हैं ग्लेरी स्क्रिल उसके उनसे पूछ से बनता है, उसके बालों से बनता है, और कुछ मिनरल्स भी यूज किए जाते हैं नेचुरल मिनरल्स। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे जैसे इंग्लिश में जनवरी फरवरी, जनवरी टू दिसंबर हमारा कैलेंडर है, हमारा जो भारतीय कैलेंडर है वो चैत्र से शुरू होता है हमारा नव वर्ष और आके फागुन पे खत्म होता है। फागुन आप जानते हैं जब होली होती है, तो यहाँ पे हर महीने चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, अषाढ़, श्रावण, भाद्रवा, अश्विना, कार्तिका, मार्गशीर्ष, पोषा, माघा और फागुन, फाल्गुना कहते हैं उसको, फागुन, इन सब के अलग अलग मूड होते हैं, अलग अलग मौसम होते हैं, अलग अलग कुदरत का नज़ारा होता है, हमारा फ्लोरा और फौना भी उस हिसाब से चेंज होता है। तो उसी तरह से हमारी पेंटिंग्स को भी 12 हिस्सों में बांटा गया है। मैं चूंकि अगला एपिसोड इस पर बनाऊंगा इसलिए मैं ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा, लेकिन आपको मैं पेंटिंग दिखाता हूँ और देखिए महीने के हिसाब से बनी हुई है। ये चैत्र मास की पेंटिंग है, विशाख की है, ये उसके अगले महीने की है, तो ये आपको दिखाते हैं सारी पेंटिंग्स, पूरी 12 की 12 पेंटिंग्स। अभी मैंने आपको बताया कि कैसे 12 महीनों की अलग अलग पेंटिंग्स बनती हैं, अलग अलग उसके वो होते हैं, मूड्स होते हैं। फिर मैंने आपको राधा कृष्ण जी की पेंटिंग्स दिखाई। अब एक और चीज़ देखिए, कितनी सुंदरता है हमारी संस्कृति में, हमारी सभ्यता में, हमारी कला में। ये पेंटिंग्स जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ ये हमारे राग पर आधारित है, इनको कहते हैं रागमाला पेंटिंग्स। कांगड़ा पेंटिंग्स ही हैं लेकिन रागमाला पेंटिंग्स कहते हैं। ये देखिए भैरव राग पे है, मालकोज राग पे है, हिंडोल राग पे है, दीपक राग पे है, श्री रागा पे है और मेघ रागा पे है। ये देखिए सारी पेंटिंग्स ये रागों पे आधारित है और नीचे लिखा होगा किस किस राग पे कौन कौन सी पेंटिंग बनी। प्राचीन देश है हमारा, तो बहुत सारे लोग इसमें आके समा गए हैं। आर्यंस आए, बंगाल्स आए, यूनानी आए, बहुत सारे लोग आए, द्रविडियंस यहाँ पे रहते थे पहले। लेटेस्ट जो पिछले कुछ सालों से जो आए हैं अगर हम देखें तो हमारे एरिया में तिब्बतियंस आए हैं, दलाई लामा जी आए थे जैसा कि आपको सबको मालूम है और धर्मशाला उनका बेस है। तिब्बतियंस की एक पेंटिंग होती है तनखा पेंटिंग, मैंने एक एपिसोड इस पर ऑलरेडी बनाया हुआ, इस पर नहीं नॉर्मोलिंगा पे बनाया हुआ, जिसपे मैंने तनखा पेंटिंग के बारे में डिटेल में बताया, आप देखिए, मैंने उसका लिंक भी डाला नीचे। तो उसकी भी यहाँ पे
जो है एग्जीबिशन की हुई है तंखा पेंटिंग के बारे में, ये पूरा लिखा हुआ है क्या होती है, कुछ एक तंखा पेंटिंग्स डिस्प्ले की हुई है, आप उसको देखिए। आपको पिछले एपिसोड में बताया था कि कांगड़ा, जिसको पहले नगर कोट कहते थे, 1905 में बहुत ही भयंकर अर्थक्वेक आया था वहां पे, भूचाल आया था, जो कि मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में जितने भी भूचाल आए हैं उसमें शायद बिगेस्ट नहीं तो सेकंड बिगेस्ट होगा। बहुत लोग मृत्यु को प्राप्त हुए थे और तबाह हो गया था तकरीबन पूरा डिस्ट्रिक्ट। ये उस टाइम की तस्वीरें हैं और सचमुच की तस्वीरें हैं, आप देखिए तबाही का मंजर देखिए और कुदरत का कहर देखिए। चलिए अब हम आपको कुछ पुरानी चीजें दिखाते हैं। आइवरी यानी कि हाथी दांत। देखिए हाथी दांत की बनी हुई कुछ चीजें, ये चूड़ियां हैं, ये खड़ाऊ हैं जिसमें हाथी दांत का काम हुआ है, ये कुछ और चीजें हैं बनी हुई, ये एक्चुअल हाथी दांत का एक छोटा सा सैंपल है। तो ये आप देखिए हाथी दांत की, और ये देखिए ये जो कटार होती है जिसको कहते हैं कटार, जिससे मारा जाता है, उसका हत्था है, हैंडल है उसका। और अब मैं आपको दिखाता हूं पुराने जमाने के सिक्के। आप ये देखिए फर्स्ट सेंचुरी के सिक्के हैं ये, मतलब फर्स्ट सेंचुरी के हैं, सेकंड सेंचुरी के हैं, टेंथ सेंचुरी के, पर फर्स्ट सेंचुरी आप समझ सकते हैं तकरीबन 2000 साल से पुराने सिक्के हैं। क्या प्यारी कलेक्शन है जिस भी इंसान ने की और संभाली, सैल्यूट है उनको। अब मैं आपको बहुत ही एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूं, आइए जरा आप दिखाइए। ये हाथ से लिखी हुई गीता है, देखिए अलग अलग समय पे लिखी हुई है, और एकदम लेफ्ट पे अगर आप देखेंगे तो ये हॉरोस्कोप, जिसको हमारे यहाँ पे टिपड़ा कहते हैं, गुजराती में जन्म अक्षर कहते हैं, इंग्लिश में हॉरोस्कोप कहते हैं, वो इस तरह से बना करता था, जिसमें अलग अलग चार्ट और वो होते थे, लगन कुंडली सब कुछ होता था, और रंग बिरंगे बना करते थे। इनफैक्ट हमारे घर में भी पहले ऐसे ही बनते थे, अभी भी पड़े हुए हैं। और ये देखिए गीता जो है कैसे अलग अलग समय पे हाथ से, और एक्चुअली हाथ से लिखी हुई है, किस तरह से प्रिजर्व की हुई है, देखिए आप। हुक्का मार 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 गाना सुना होगा आपने, तो हुक्का आजकल बड़ा फेमस हो गया है, बहुत सारी हुक्का बार्स हैं चल रही है, रंग बिरंगे आपको वो पिलाए जाते हैं धुएं, लेकिन हुक्का हमारी संस्कृति का एक प्रतीक रहा है, और आप हर जगह हिंदुस्तान में आपको हुक्का मिलेगा, और हरियाणा में तो आपको खास मिलता है, लेकिन इस वक्त हम कांगड़ा की बात कर रहे हैं। हमारे पीछे बहुत सारे हुक्के पड़े हैं जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के हैं, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट का, चंबा डिस्ट्रिक्ट का, और बहुत सारे जिलों के पुराने हुक्के हैं, थोड़े सैंपल्स हैं आप देखिए। मैं आपको कुछ कढ़ाई के नमूने दिखाना चाहूंगा, इसको आप एप्लीके भी कह सकते हैं। देखिए मैं गुजरात में बहुत साल रहा हूँ, और कच्छ एरिया में इस तरह की सिमिलर कढ़ाई होती है, ये थोड़ी फेडेड है, शायद अब होती नहीं है ज्यादा, इसलिए आपको नया नमूना नहीं मिलेगा, लेकिन देखिए ये बड़ी कच्छ से मिलती जुलती है, मैंने भी आज नोटिस किया। और
एक और चीज दिखाऊंगा मैं आपको, इसको चंबा रुमाल कहते हैं, लग तो मुझे वॉल हैंगिंग जैसी लग रही है, और यही चीज गुजरात के कच्छ एरिया में भी लगभग ऐसी ही चीज बनाई जाती है, तो बहुत सिमिलैरिटीज हैं। चोली के पीछे क्या है, गाना सुना है आपने, तो देखिए चोली के पीछे क्या है। ये रही चोली और ये रहा उसका पीछा। ये हमारे यहाँ की चोली है, ज्यादा पुरानी नहीं है, 200-300 साल पुरानी है। वैसे तो ये कोई नई चीज नहीं है, हर जगह होती है, तो ये हमारी यहाँ की है। वैसे तो हिंदुस्तान में अगर आप देखेंगे तो हर जगह होती है, ये हमारे यहाँ की है। आभूषण, मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में जैसे आभूषण ज्वेलरी बनती है, मुझे नहीं लगता दुनिया के किसी कोने में बनती हो, खास करके कलाकारी की जहां तक बात है। ये अलग बात है कि डायमंड्स बेल्जियम में ज्यादा अच्छे होते हो, लेकिन वो अलग बात है, लेकिन जो कलाकारी है, जड़ाऊ काम कह सकते हैं, जो भी आप कह सकते हैं, वो हिंदुस्तान से अच्छा कहीं नहीं है। और हर स्टेट हर राज्य की अपनी एक मास्टरी है। मैं आपको सिल्वर का काम दिखाता हूँ, कान का, नाक का, पाजे, बाजूबंद, क्या कहते हैं, गोदबंद, जो कुछ भी है, जितना कुछ भी होता है, ये आपको पुरानी याद है ज्वेलरी सिल्वर की इन तीन शोकेसेस में मिलेगी। कंगन है, ब्रेसलेट्स, देखिए कमरबंद, ये बहुत सुंदर हार हैं, पाजेबे हैं, ये यहाँ की ट्रेडिशनल ड्रेस है कांगड़ा की। आपको शायद लगा होगा मैंने भी तकरीबन वैसी ड्रेस पहनी है। तो ये यहाँ के पुरुषों की ड्रेस है, ये यहाँ की औरतों की ड्रेस है, बहुत खूबसूरत है। पगड़ी तो हमारी शान है, हिंदुस्तान में अलग अलग पगड़ियाँ होती हैं, हमारी पगड़ी ऐसी होती है। एक बहुत ही प्राचीन जगह है हमारे यहाँ पे, कुल्लू का दशहरा पूरी दुनिया में मशहूर है, और वहाँ पे कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स बजाए जाते हैं खास करके त्योहारों पे, आपके सामने है, कैसी शहनाई होती है, कैसे तांबे के रनसिंगे होते हैं, कैसे वहाँ पे ढोलक होते हैं, ये आप देखिए। मैंने आपको बताया था पिछले एपिसोड में कि 51 शक्तिपीठ हैं हमारे देश में, जिसमें 5 हमारे इस एरिया में है, आसपास है, जिनमें एक है ज्वाला जी, ज्वालामुखी माँ जी। और उसकी मान्यता ये भी है कि अकबर नंगे पांव आया था वहां पे सोने का छत्र चढ़ाने, जिसकी बदौलत उनको एक पुत्र का वरदान मिला था। वहां से ये देखिए मूर्तियां लाई गई हैं, भगवान विष्णु की मूर्ति है, नारायण यानी कि विष्णु जी हो गए, अलग अलग भगवानों की मूर्ति है, आप देखिए, आप क्लोजअप दीजिए। लेकिन खास मैं आपको दिखाना चाहूंगा बाल गोपाल। बाल गोपाल हम सब जानते हैं कृष्ण जी का एक स्वरूप है, और आज मैं बहुत खुश नसीब हूं कि मुझे इनके दर्शन हुए, क्योंकि आज जन्माष्टमी है। तो राधे राधे। कुल्लू के दशहरा की, कुल्लू के देवी देवताओं की मैंने बात की, वहां पे माता जी को जिस रूप में पूजा जाता है, उनका जो रथ निकलता है, उनकी जो सवारी निकलती है, वो कुछ इस तरह की होती है। वहाँ के किस तरह के इंस्ट्रूमेंट साथ में होते हैं वो मैं आपको पहले दिखा चुका हूँ, और ये देखिए उनका रथ। पुराने जमाने में, बल्कि पुराने जमाने में क्या, आज भी ये बहुत सारे बर्तन यूज होते हैं। आपको मालूम है काठ, काठ यानी लकड़ी, लकड़ी के बर्तन पहले यूज होते थे, कहते ना काठ की हड्डी बार बार ना चढ़े, मिट्टी के बर्तन यूज होते थे, वो सब यहाँ दर्शाए गए हैं। लेकिन मैं जो खास आपको दिखाना चाहता हूँ, ये जो बीच में पड़ा है, इसको हम चरोटी कहते हैं। ये हालांकि बहुत छोटी है, बहुत बड़ी चरोटियाँ होती हैं, और आज भी यूज होती है। जब हमारा प्रीति भोज यानी कि धाम बनती है, तो जमीन को खोदा जाता है, उसको तीन कहते हैं हम, उसमें आग जलाई जाती है, उसके ऊपर इन चरोटियों पर सब्जियां चावल बनते हैं, और इनको उठाया जाता है रस्सियों से, रस्सी बांध के दो साइड से ऐसे उठाया जाता है,
तो चलो ठीक है, जो ये आज भी यूज होती है, ये आउट ऑफ फैशन नहीं है अभी। हाँ घरों में यूज नहीं होती, लेकिन प्रीति भोज जो होते हैं हमारे धाम कहते हैं जिसको, वहाँ पे आज भी यूज होती है। किसी दिन आपको धाम जो है बनती हुई दिखाई जाएगी और आप अगर कभी आए तो आपको खिलाई दी जाएगी। मैंने यहाँ की वेशभूषा और यहाँ के लोगों का मैंने थोड़ा एक ग्लिम्स दिया था पीछे। एक हमारी यहाँ पे और कम्युनिटी है, गद्दी कम्युनिटी, यहीं के लोग हैं, लेकिन वो एक अलग ट्राइब है जो कि जिनको शेपर्ड्स भी आप कह सकते हैं। वो गर्मियों में नीचे आ जाते हैं, नीचे मतलब जहाँ हम रहते हैं वो नहीं, हमारे लिए भी जो पहाड़ है जैसे त्रिउंड हमारे लिए एक बहुत बड़ा ट्रैक है, उनके लिए वो नीचे है और वो सॉरी गर्मियों में नहीं सर्दियों में नीचे आते हैं, गर्मियों में वो ऊपर चले जाते हैं जिसको ज्योत कहते हैं। और वो अपना भेड़ बकरियाँ पालते हैं, उनकी जो ऊन वगैरह होती है उससे बुनाई करते हैं, उसके ऊपर उनका निर्वाह होता है। अभी तो खैर ज़माना बदल गया, अभी तो बहुत बड़े बड़े काम करते हैं वो, लेकिन ये इनकी ट्रेडिशनल ड्रेस है गद्दियों की। ये पुरुषों की ड्रेस है, ये औरतों की ड्रेस है। और धर्मपुर एक जगह है जो इनका मेन सेंटर हुआ करता था, और भी बहुत सारी जगह हैं और मैं एक जल्दी ही इस पर एपिसोड बनाऊंगा, क्योंकि धर्मकोट में ओरिजिनली ये लोग रहते थे गद्दी, और आजकल तो खैर कॉस्मोपॉलिटन हो गया, लेकिन बहुत सारे लोग इसराइल से आके रहते हैं, उसके ऊपर भी एक एपिसोड बनाऊंगा और आपके सामने पेश करूंगा। आपको कांगड़ा पेंटिंग्स दिखाई पहले, उसी की एक फॉर्म है, सेम कांगड़ा पेंटिंग बट मिनिएचर फॉर्म में। ये उसकी पूरी कहानी लिखी है कि मिनिएचर क्या होती है कांगड़ा पेंटिंग्स। ये एक बनी हुई है राजा ससारचंद, जैसा कि मैंने बताया कि he was one of the main supporters of painters। ये उनके राजा ससारचंद जी का एक चित्र है, और ये आपको मिनिएचर पेंटिंग्स हम दिखाते हैं सारी, आप देखिए अलग अलग विषय पे हैं, आपको पूरी दिखाते हैं। इससे पहले कि मैं इस अंक को क्लोज करूं और अपने क्लोजिंग रिमार्क्स दूं, मैं चाहता हूं कि आपको ये बता दूं कि म्यूजियम है कहाँ पे। आप अलग 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 जगहों से आते हैं, कहीं से भी आते हैं, तो आपको कहाँ पहुंचना है, कहाँ से कितना डिस्टेंस है, वो मैं आपको थोड़ा सा एक मैंने छोटा सा वीडियो शूट किया हुआ वो मैं आपको दिखाता हूं। आप देखिए कि म्यूजियम कहाँ पे है, इसकी लोकेशन कहाँ पे है, इसका मैप भी आपको दे रहा हूं, आप देखिए। ये एक छोटी सी झलक थी हमारे कांगड़ा की कल्चर की, आर्ट्स की, और इस तरह का भी म्यूजियम है कांगड़ा में, एक म्यूजियम में मैं आपको दिखाऊंगा थोड़े दिन में। तो ये एक छोटी सी झलक थी अगर आप देखिए हमारे डिस्ट्रिक्ट की, तो आप देखिए पूरे डिस्ट्रिक्ट की क्या पूरी सिनेरियो होगा, पूरे स्टेट का क्या होगा, पूरे हिंदुस्तान का क्या होगा। तो मैं वहीं से शुरुआत करूंगा जहां से मैंने पहले की थी, यूनान मिस्र रोमा से। तो एक और शेयर से मैं अंत करूंगा आज का एपिसोड। दीने इलाही का बेबाक बेड़ा, न जेहू में ठहरा न सेहू में अटका। जेहू और सेहू वो जगह है जहां से हमारे मुगल आए थे। दीने इलाही का बेबाक बेड़ा, न जेहू में ठहरा न सेहू में अटका। पार किए थे जिसने सातों समंदर, डूबा दहाना में गंगा के आकर। तो हर वो व्यक्ति, हर वो सभ्यता, हर वो संस्कृति जिसने भारत पे आक्रमण किया, वो या तो यहाँ के नष्ट हो गई या यहाँ की गंगा में विलीन हो गई। चाहे वो अंग्रेज थे, उनका सूरज कहीं नहीं डूबता था, हिंदुस्तान में आके डूबा। सिकंदर पूरी दुनिया फतेह करने चला था लेकिन हिंदुस्तान में आके तबाह हुआ। तो दीने इलाही का बेबाक बेड़ा, ना जेहू में ठहरा ना सेहू में अटका। पार किए थे जिसने सातों समुंदर, डूबा दहाने में गंगा के आकर। नमस्कार, अगर आपको हमेशा की तरह मेरा एपिसोड पसंद आया हो तो कृपया उसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आपने अभी तक नहीं किया हो। धन्यवाद।